नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बालाघाट पहुंचे। हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत किया गया और यहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और रोड शो भी किया। स्थानीय रेंजर कॉलेज में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां मंच पर सांसद ढाल सिंह बिसेन सहित बालाघाट के विधायक ने उनका स्वागत किया। रेंजर कॉलेज के में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सहभागिता कर एथेनॉल प्लांट सहित जिले को 761 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के अद्भुत नेतृत्व में हर वर्ग का कल्याण होने के साथ ही देश के तीव्र गति से विकास रहा है। दौरा हुआ मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 761 करोड़ के अलग अलग निर्माण कार्यों का मैंने अनुमोदन किया, लोकार्पण किया, नई फैक्ट्रियों का शुभारंभ हुआ, चालू हो रहा है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर पहुंचे। विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बात की। विजयवर्गीय ने संदेश खाली मामले के बाद पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडों, पुलिस और नेताओं के बीच सांठगांठ चल रही है। वहां कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां हालात ऐसे हैं कि राष्ट्रपति नियम लागू किया जाना चाहिए। तो ये अनाज की जो भ्रष्टाचारी हो रही है वहाँ पर, उसके सिलसिले में ईडी गई थी वहाँ पर और ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था। और जब हमला होने के बाद कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाने का प्रयास किया तो वहाँ ये सारे राज खुले। मैं संदेश खली 4-5 बार गया हूँ, मुझे वहाँ के प्रशासन ने जाने से मना कर दिया था। ये जो शेख का नाम सामने आ रहा है, हमारी ऐसे बैठक चल रही थी मंडल की और हमारे मंडल के अध्यक्ष को सब कार्यकर्ताओं के सामने कनपटे पे गोली मार के चले गए, कार्यकर्ता की हत्या कर दी। और पुलिस ने इनको साल भर तक गिरफ्तार नहीं किया, साल भर तक घूमते रहे। फिर मैंने जाके धरना दिया था तब उन्होंने गिरफ्तारी की औपचारिकता की थी। तो संदेश खाली मामले में कैलाश विजयवर्गीय का अब गुस्सा फूट गया है। उन्होंने साफ तौर पर बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है उस पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में लोगों पर अत्याचार हो रहा है। बंगाल में गुंडों, पुलिस और नेताओं के बीच पूरी सांठगांठ है। अब बंगाल में ऐसी स्थिति बन गई है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी सरकार पर हमलावर हैं। 21 फरवरी को उन्होंने कर्ज के मुद्दे पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वादों को याद दिलाते हुए कहा कि मोदी की गारंटी पर भी सवाल उठाए और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन को भी कर्ज लेने के मामले में कटघरे में खड़ा किया है। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को टैग करते हुए आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चुनावी वादे और मोदी की चुनावी गारंटी के बावजूद लाडली बहनों को 3,000 प्रतिमाह नहीं दिए जा रहे हैं। धान का समर्थन मूल्य 3100 प्रति क्विंटल घोषित करने के बावजूद नहीं दिया गया, वहीं गेहूं को लेकर भी 2700 प्रति क्विंटल सिर्फ चुनावी जुमला ही साबित हो रहा है। 23 के चुनाव चल रहे थे तो किसानों से की मांग थी 3,000 रुपया क्विंटल की गेहूं की, 2700 रुपए बीजेपी की सरकार ने हाँ की थी जो आज बनी है, बीजेपी के घोषणा पत्र में आज तक एक शब्द नहीं कहा। इसको लेकर धान की कीमत 3100, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ और किसानों के साथ आंदोलन करें। अभी इस हफ्ते हम सारे ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्षों के साथ किसानों के परिवारों को साथ लेकर हर ब्लॉक पे प्रदर्शन करेंगे। अगले हफ्ते जिला पे हम हर जिला स्तर पर किसानों के मिनी, आपने 2700 रुपये की गेहूं की बात की थी, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर धरना देकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, किसानों के हितों की आवाज़ उठाएंगे। अभी इस हफ्ते हम सारे ब्लॉक